नमस्कार, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अक्सर हमें मीठा खाने की इच्छा होती है और तब हम सोचते हैं कि हमें क्या बनाना चाहिए, क्या खाना चाहिए। तो ऐसे में हम सभी के घर पर रोटी उपलब्ध रहती है, तो रोटी से हम बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू बनाकर तैयार कर सकते हैं। कभी कभी हमारे रोटी बच भी जाती है तो उसका भी हम अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं रोटी बनाने के लिए हमें किन किन सामग्री की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले हम पिसी शक्कर, मलाई, घी, इलायची पाउडर, बादाम, पिस्ते, नारियल और चिरौंजी, ये सब सामग्री हमने ले ली है। अब हम सबसे पहले रोटी को मिक्सर में पीस कर ले लेते हैं। ये मैंने रोटी को मिक्सर में पीस कर ले लिया है। अब हम गैस चालू करेंगे और सबसे पहले हम उसमें लगभग 2 से 2.5 चम्मच घी डालते हैं। अब हम इसमें जो मैंने रोटी पीस कर ली है उस मिश्रण को डालेंगे। लगभग ये इस मिश्रण को हम मीडियम आंच पर 5 से 6 मिनट तक सेकेंगे। यह मिश्रण गुलाबी हन होने तक हमें सेकना है। देखिए सारा मिश्रण अच्छे से गुलाबी हो चुका है। अब हम एक थाली में लेकर इसको देखेंगे कि बहुत ही अच्छे से सिक गया है, करकरा हो गया है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। दस मिनट के लिए हम इसको ठंडा होने देंगे। फिर हम इसमें सबसे पहले शक्कर मिलाएंगे। शक्कर लगभग हमें 3 से 4 चम्मच इसमें मिलानी है। यदि आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। फिर हम इसमें डालेंगे बादाम और सारे सूखे मेवे। सूखे मेवे ऑप्शनल है, आप जो भी खाना पसंद करते हैं वो डाल सकते हैं। कम ज़्यादा जैसे भी मात्रा में आप डालना चाहते हैं हम डालेंगे। ये पिस्ते मैंने डाले हैं इसमें, चिरौंजी डाली है, बादाम डाली है, नारियल। और अब इसमें डालते हैं इलायची पाउडर। अब इस मिश्रण को हम मिलाकर तैयार करते हैं। अच्छे से इसको मिलाने के बाद हम इसमें लगभग 2 से 2.5 चम्मच मलाई डालने वाले हैं। अब हम इस मलाई को भी अच्छे से इसमें मिलाने वाले हैं। देखिए सारी चीजें अच्छे से मिल चुकी है। अब हम इसके लड्डू बनाकर तैयार करते हैं। ये लड्डू बहुत ही पौष्टिक और स्वादिष्ट बनते हैं। देखिए ये लड्डू बनकर तैयार है। अब हम सारे मिश्रण के लड्डू बनाकर तैयार कर लेते हैं। लगभग 4 से 5 रोटी में हमने देखिए ये इतने लड्डू बनाकर तैयार कर लिए हैं। सारे लड्डू बनकर तैयार है। आपको यह मेरी विधि यदि अच्छी लगी है तो कृपया इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स ज़रूर डालिए। धन्यवाद।